एक खास मिशन पर जा रहा हूँ, उसे पूरा करने के बाद तुमसे बात करूंगा। 3 अप्रैल को हवलदार देवेंद्र सिंह राणा ने फोन पर ये बात अपनी पत्नी विनीता से कही और विनीता उस फोन के इंतजार में थी। फोन आया मगर एक ऐसी खबर लाया जिसने विनीता के साथ पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। हवलदार देवेंद्र सिंह राणा आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर की ओर रवाना हो रहे थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं मिशन पूरा करने के बाद तुमसे बात करूंगा, लेकिन वो कहां जानते थे कि वो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। मिशन पूरा हुआ और 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, लेकिन देवेंद्र को भी देश के लिए शहादत देनी पड़ी। रविवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो दस्ते ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस मुठभेड़ में रुद्रप्रयाग जिले की बसुकेदार तहसील के ग्राम तिनसोली निवासी हवलदार देवेंद्र सिंह समेत 4 अन्य अधिकारियों को भी शहादत देनी पड़ी। शहीद देवेंद्र का परिवार देहरादून जिले के छिद्दरवाला में किराए के मकान में रहता है। उनकी बेटी आंचल जो 14 साल की है और 12 साल का बेटा आयुष केंद्र विद्यालय रायवाला में पढ़ रहे हैं, जबकि पिता, माँ और छोटा भाई गांव में ही रहते हैं। देवेंद्र के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव तिनसोली लाया गया और शहीद को नमाखों से अंतिम विदाई दी गई। न्यूज़ डेस्क।